नमस्कार, मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आज हम सब पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास को किस प्रकार से, आर्थिक विकास के लक्ष्य को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक विकास के मार्ग में जो बाधक तत्व हैं, यदि उनको हम दूर कर लें तो एक अल्प विकसित राष्ट्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक वृद्धि करना प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य होता है और कई अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के तत्वों के संदर्भ में अपने अपने विचार रखे हैं। किंडलवर्ग, बर्जर व हैरिक, इन्होंने आर्थिक तत्वों पे विशेष जोर दिया। रेगनर नर्क से उन्होंने ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी तत्वों को एक देश के आर्थिक विकास में सहायक तत्व के रूप में परिभाषित किया। वहीं लुईस ने बचत वृद्धि, ज्ञान वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के उपायों को आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हुआ। जोसेफ सिम पीटर ने नव प्रवर्तन पर विशेष बल दिया है कि एक राष्ट्र, अल्प विकसित राष्ट्र, यदि नव प्रवर्तन को अपनाता है, इनोवेशन को अपनाता है, तो वो राष्ट्र अपना आर्थिक विकास कर सकता है। इसी प्रकार से आर्थिक विकास के दो मेन फैक्टर, नंबर एक इकोनॉमिक फैक्टर्स और दूसरे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर यानी अनार्थिक तत्व। पहले आर्थिक तत्व और दूसरे हैं अनार्थिक तत्व। इन दोनों तत्वों के द्वारा एक राष्ट्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक तत्व कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है मानवीय संसाधन। हम जानते हैं कि अल्प विकसित राष्ट्रों की एक समस्या है कि यहाँ जनाधिक अधिक पाया जाता है। मानवीय संसाधन एक राष्ट्र के विकास के लिए लाभदायक भी। मानवीय अधिक जनसंख्या यानी अधिक मांग, मांग अधिक होगी तो बाजार का विस्तार हो जाएगा, बाजार का विस्तार हो जाएगा, पूंजी की निर्माण की गति जो है वो तेज हो जाएगी और अधिक मानवीय संसाधन देश को श्रम बल भी उपलब्ध कराते हैं। विकसित राष्ट्रों की एक जो समस्या है मानवीय संसाधन, यदि उसका सदुपयोग किया जाए, सही ढंग से यदि प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से हम आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्राकृतिक संसाधन, और हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के, एक संसाधन प्राकृतिक के संसाधन वो होते हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाते, जैसे खनिज पदार्थ, तेल भंडार, कोयला, ये शीघ्र समाप्त होने वाले संसाधन है। और दूसरे संसाधन वे संसाधन है जो समाप्त नहीं हो सकते, जैसे जल, समुद्री जल, वर्षा। ये अब इन दोनों संसाधनों का सदुपयोग करके, पूर्ण विदोहन करके
हम आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। प्राकृतिक संसाधन से ये लाभ है कि ये जिन क्षेत्रों में होते हैं उस क्षेत्र का विकास हो जाता है। जिन देशों के पास जितने अधिक प्राकृतिक संसाधन है वह देश उतनी ही तेजी से आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये इतिहास की राह है। संगठन उद्यमिता को बढ़ावा देना, एक अल्प विकसित राष्ट्र में उद्यमिता की कमी होती है। यदि एक राष्ट्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। तकनीकी उन्नतीकरण बहुत ही आवश्यक। तकनीकी से एक लाभ ये है कि वस्तुओं की लागतों को घटाया जाता है। प्रायः अल्प विकसित देशों में ये देखा गया है कि उत्पादन की अप्रचलित तकनीक का उपयोग किया जाता है और अप्रचलित तकनीक के कारण प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण विदोहन नहीं हो पाता। प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण विदोहन न हो पाने के कारण वेस्टेज हो जाता है। तकनीकी उन्नतीकरण के द्वारा आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रायः ये देखा गया है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में श्रम पूंजी का जो एक आदर्श अनुपात है वो नहीं पाया जाता। तकनीकी उन्नतीकरण में श्रम और पूंजी का जो आदर्श अनुपात है उसका उपयोग किया जा सकता है। तकनीकी उन्नतीकरण के लिए हमें नवप्रवर्तन करने चाहिए। खोज आविष्कार को प्रोत्साहित करना चाहिए। तकनीकी सुधार की दिशा में सजग प्रयास करना चाहिए। पूंजी का निर्माण, हम जानते हैं कि अल्प विकसित राष्ट्रों की एक समस्या है कि इन राष्ट्रों में पूंजी का अभाव। पूंजी के अभाव के कारण से एक राष्ट्र अपने प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का पूर्ण विदोहन नहीं कर पाता। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके लिए बचतों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बचत के संग्रह को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना चाहिए जहां पर बैंक बचतों का संग्रह हो सके। कृषि का आधुनिकीकरण, हम जानते हैं कि अल्प विकसित राष्ट्रों में कृषि प्रधान प्रायः देश होते हैं, ये तो कृषि का आधुनिकीकरण करना चाहिए क्योंकि इस कृषि पर जनसंख्या का अधिक भार लगा हुआ है। यदि हम आधुनिकीकरण करेंगे तो कृषि में अधिक का उत्पाद जन्म होगा। कृषि में उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन होगा और यदि खाद्यान्न या कृषि उत्पाद अधिक होगा तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करना आसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग, हम जानते हैं कि अल्प विकसित देशों के पास पूंजी का अभाव है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इन देशों को पूंजी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे ऋण प्राप्त करके, सहायता प्राप्त करके आर्थिक विकास किया जा सकता है। ये आर्थिक तत्व हैं
मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, संगठन, तकनीकी उन्नतिकरण, पूंजी निर्माण, कृषि का आधुनिकीकरण, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित। साथ में कई अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक तत्वों के साथ साथ अनार्थिक तत्वों को भी महत्व दिया है। इन अर्थशास्त्रियों का विचार है कि केवल आर्थिक तत्व ही आर्थिक विकास में लाभदायक नहीं है, बल्कि अनार्थिक तत्व भी आवश्यक है। तो अनार्थिक तत्व, नंबर एक सामाजिक तत्व। प्रायः ये देखा गया है कि अल्प विकसित राष्ट्रों में सामाजिक ताना बाना, सामाजिक व्यवस्था जो होती है वो रूढ़ से घिरी होती है। यहाँ पे रूढ़ियां और परंपराएं प्रभावशाली होती है। छुआछूत, जातिवाद, ये अनेक तत्व पाए जाते हैं। सामाजिक परिवर्तन अति आवश्यक है ताकि जो श्रम बल है वो उसका पूर्ण उपयोग किया जा सके। इसी प्रकार से धार्मिक तत्व इन देशों में पाया गया है ये कि भेदभाव, बेटा और बेटी में बड़ा भेदभाव पाया जाता है, लिंग भेद, ये भी अनार्थिक धार्मिक तत्वों में ये भी बाधक तत्व है। तो धार्मिक परिवर्तन भी आवश्यक है। राजनीतिक तत्व, प्रायः विकसित देशों में ये देखा गया है कि यहाँ राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव, प्रशासन में भ्रष्टाचार और अस्थिर सरकारें, ये कुछ समस्याएं अल्प विकसित देशों में पाई जाती हैं। तो राजनीतिक तत्व, दूरदर्शिता और प्रशासन से भ्रष्टाचार कम से कम हो, मुक्त हो, शांति सुरक्षा और व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था हो, दूरदर्शिता बहुत आवश्यक है। जो नीतियां बनाई जाएं वो धरातल पर क्रियान्वित हों। इस प्रकार से ये तीन अनार्थिक तत्व हैं और आर्थिक विकास के ये दोनों तत्व मिल करके ही एक अल्प विकसित राष्ट्र का आर्थिक विकास कर सकते हैं। जैकब वाइनर और लुइस क्रेन क्रॉस, इन दोनों लोगों ने, इन सभी लोगों ने कहा कि अल्प विकसित देशों के विकास में आर्थिक तत्व और अनार्थिक तत्व, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन दोनों के समन्वय के द्वारा अल्प विकसितता को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।